और कौन कितना आ रहा है? 80,000। कौन आ रहा है ये? ऐसे मुझे लगता है सासुए बेकार में ही बदनाम है। एक नॉर्मल में घर बनाने का ज्ञान दूं? तुझे देखनी पड़ेगी लाला लैंड। गौरव, फैशन गेम इज चेंजिंग। सर ये कौन लेके गया है? मुझे मतलब पूरा शो करना है ऐसे गले में। कैसे ऐसे खाली खाली करनी लग रहा है एकदम? मतलब अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है तुझे? ये अच्छा लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ आना चाहिए इधर। एक्चुअली कुछ नहीं आना चाहिए, मैं लाके रखूंगा। कहाँ जा रहे हैं? बम फोड़ने। बम फोड़ने जा रहा हूँ। बम का बहुत क्लेश मचाया हुआ है, बहुत ज्यादा। बम पड़े हुए थे, बम इतने लिए हैं, पड़े हुए सारे। बस दोस्तों के लिए मम्मा दे रही हूँ। तो बाकी ले लो, बस इससे ले लो, बाकी ले लो। सही नहीं है, थोड़ी में चाहिए ना। मम्मा दे रही हूँ, दादी दे रही हूँ। बोलो ना, ले लो जाओ। जो सामान लेना ना, बम मत लेना, अभी पापा से दिलवा देंगे। पटाखा ले लू बच्चों का, बाकी रुपए दिला के दो। हाँ ले ले, चाचू को पड़ा हुआ है। अरे 20 रुपए का रस्सी वाला पटाखा, बाकी क्या बनाना है बनाओ। थर्ड इधर आ, इधर सुन। थर्ड 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 नहीं, थर्ड नहीं, थर्ड। मुंह ऐसे उंगली रख, एक उंगली रख ऐसे मुंह में, थर्ड ऐसे उंगली रख रहा है, एक उंगली रख ऐसे आगे, और अब बोल थर्ड। हाँ ऐसे करके प्रैक्टिस कर, ऐसे पेंसिल लगा के ना, ताकि फिर वो हटेगा। अरे दो बिजली बम पड़े हैं, देख लो घर में। थोड़े से और लेने हैं, खाने में से लिए थे। ओ राघव भाई नमस्ते। डर रहा है, लग रहा है, डर रहा है तेरे को, ये डरा हुआ लग रहा है ना। अबलो पटाखे से डरते हैं, छुप जाएगा। तो आया था उस फल का इंतजार खत्म हो चुका है जिसका वे, अच्छा बॉक्स पे है ना। अरे और क्या भाई यार, वो दिन आ चुका है जिसका हमें बहुत टेंशन इंतजार था। कंपनी का नाम मत बताना, निखिल की कंपनी, नौकरी का आईडी कार्ड। हाँ भाई, नहीं मेरा सपना सच हो गया, मैं एक दिन निखिल को नौकरी पे जाते थे देखना चाहता था। परफेक्ट, अच्छी नहीं आ रही? थोड़ी सी हल्की छोटी है, चल जाएगी ना, पर जूते पे अच्छी आएगी। ले 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 ले, क्यों रो रहा है? कौन क्या बोल रहे हैं? एम्स्टरडम में क्या तू गया था कैसीनो? भैया लेके गया था, सुरमित लेके गया था। और कौन कितना आ रहा है? 80,000। कौन आ रहा है? ये भूभी, तूने बताया तो नहीं मुझे? नहीं वो देख, 40 भूभी, ये बताया तो नहीं तूने? 80 मतलब मेरे हिसाब से सब टोटल मिला के आ रहे थे। 80 नहीं, 40 तो मैं आ रहा था, सुरमित आ रहा 40-50 और बाकी सब मिला के 20-25 और लाख रुपए। बताया भी नहीं भैया, देख ना। अच्छा भूल गए होंगे, 40,000 खो के कोई भूलता है? एडिलेड में जीता था मैं 35,000 रुपए, इतना मजा आया और मैं लेके निकल गया, पता नहीं इतनी चुनमची में रात के। फिर दोबारा फिर तो शायद 2 मिनट में खत्म हो गया सब, तुम्हें की वजह से आगे पत्ते पहुंच नहीं पा रहे प्लेयर तक, अपने पेट के आसपास ही बांटे जा रहे हैं यहाँ तक। बस लेकिन काउंटर खेल नहीं ना, ये तो गेम ही बंद हो जाएगी। चिंटू पीने लगा है एकदम ऑकवर्ड। पापा आ गए मैदान में। क्या दरवाजा खुला है क्या? ओए क्या बात है, क्या बात है पापा, सब अरे सब आगे की डर से नीचे नहीं जा रहा। चलो अच्छा, नो चुचू नहीं, यही निकल जाएगा मेरा चुचू। पापा शाम को भी नहीं गया? शाम को आ जा रहा।
इसे एक ग्लास बना दो अभी जाकर। अरे ढीला है बहुत। मिनी चल बड़ा बनाते हैं थोड़ा, तो इसमें तल लेना, नाई भी नहीं है तू तो। मिनी को तो अपने कोई क्रेज ही नहीं है, नहीं कुछ क्रेज नहीं है। क्या क्रेज होना है मम्मी? कि हाँ चलो मम्मी खाना बना लेते हैं। दीदी को देखो घर कितना सुंदर रखती है, वो काम भी करती है, रात के 10-10 बजे तक बेचारी काम में लगी रहती है, फिर भी अपना घर कितना मेंटेन। खाना कल बोल रही थी दो सब्जी बनाऊंगी, सांगरी की आलू की, बड़े बनाऊंगी और इसका। कोई नहीं, हमारे भी शेयर भी तो कर दिए सब, फोन कर दिया दादा का ब्लिंकेट मारती। हलवा बनाऊंगी, शेयर भी बना रहे हो नीचे, फिर ऑर्डर करने की बात रखती है। मैं फूल मंगा लेती हूँ, मंगा लेती हूँ। मम्मी ने एक मारवाड़ी में अभी फ्रेज बोला मिस्टर गौरव कपूर के लिए, क्या मम्मी? तू को टूटता है न फली फूटता है, मतलब न तिनका टूटता है न कोई फली टूटती है, इसका मतलब क्या होता है? इससे कोई काम ही नहीं होता है। क्या दोनों पे दोनों, मैं अगर दिवाली पे नहीं रहूं तो दिवाली पूजा ही नहीं करोगे तुम लोग, भाग जाओगे। गाइज मुझे लगता है सासुए बेकार में ही बदनाम है, माएं भी कम नहीं होती हैं, जैसे मम्मी ने ताना मारा है ना। मम्मी ने ठीक ही बोला है कि अपने अपने घर के लिए कुछ नहीं करोगे तुम लोग तो कैसे होगा। मम्मी मम्मी इतना सुंदर घर बनाया तो और क्या चाहिए? घर बनाया सजा के भी रखो, कहीं पर बैग पड़ा है, कहीं पे लैपटॉप पड़ा है, कहीं पे कुछ पड़ा है। मम्मी हमारे घर पूरी दुनिया बोलती है बहुत सुंदर है तुम्हारा घर। सुंदर हो क्या? क्यों सारा तो अस्त व्यस्त रहता है सुंदर। एकदम ताना मार के आई एम अ यंगर सिबलिंग, और चाहे जो भी कर लो आप उल्टे लटक जाओ, माओ को लगता ही नहीं है कि छोटे बच्चे कुछ किसी भी काम के हैं। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं किसी दिन अच्छा खाना ही बना लूंगी, सब कुछ मम्मी के पैर दबा दूंगी, कुछ भी कर लूंगी ना, कभी भी कभी नहीं बोलेगी कि मिनी तो बहुत वो है। जो है वो तो है ही ना। क्या है उसमें? है वो सब क्वालिटी तो मेरे में भी है मम्मी, तेरे में बस गला मिल ले, प्यार कर ले, ये करना, पप्पी ले ले, ये कला है। तो अच्छी बात है ना, प्यार की भी तो जरूरत होती है ना। तो वही तो घर के काम में इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या मतलब मम्मी, ये कौन सी क्वालिटी गिनवाती है आप मेरी? थोड़ी तो धन की क्वालिटी बताओ, घर मैनेज करने वाला नहीं है मेरे में क्वालिटी? नहीं है। हाँ मैनेज करने वाला नहीं है। नहीं सारा गुण आपकी बड़ी बेटी में ही है ना, सारे टैलेंट उसी में भरे हुए है ना। ये है तो सही, अब तू उससे तू चिड़े तो चिड़। चिड़ नहीं बोली तो तेरे को लाड करना आता है, प्यार करना आता है, ये सब करना खूब आता है। और बस बस, और कभी कभी गोभी के लिए नॉनवेज बनाना बस। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि श्रेया कुछ काम नहीं करती, श्रेया बस टाइम पास करती है। देखो मम्मी ने ताना मारा था और उसके बाद अभी श्रेया देखो मस्त पराठा बना रही है, अच्छा टेस्टी, और सोचा कि और बहुत टेस्टी बनाती है श्रेया, मुझे पता है ना। बस और ने सोचा कि लोहा गरम है, हथौड़ा मार दिया जाए, मतलब एक घंटा ही हुआ उस कॉन्वर्सेशन को। गौरव बोलते श्रेया एक पराठा बना दोगे क्या? और अभी मुझे आके बोलता है कि मैंने बोला कि यार एक पराठे के लिए क्यों इतनी मेहनत करा रहा है, बोला नहीं मुझे पता था मना नहीं करूँगी क्योंकि मम्मी ने अभी भी सुनाया था ना आपको अप्रूव करने के लिए बनाऊंगी। एक्चुअली वही हुआ है ना, आपने एक बार को सोचा था कि बनाऊ ना बनाऊ, फिर आपने कहा चलो फर्स्ट बना देती हूँ। नहीं श्रेया का फर्स्ट रिप्लाई तो ये था आटा सना हुआ नहीं है, मैंने कहा रुको ना कोई बात नहीं आप भी बनवा लो कुछ इसी हाथ लगे हाथ। नहीं गाइस गिफ्ट खोलो, गोभी अपनी जो जंघाएं हैं उसको जरा ढक लो तुम, जो तुम्हारे वो दिख रहे हैं। गाइस ये गिफ्ट हम खोल रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं श्रेया कह रही थी आगे चिपका देते किसी को, गोभी कुछ भी बोलता है यार इस लड़के के ना मुंह में कोई फिल्टर नहीं है, जीरो मतलब फिल्टर। बिना खोले कह रही थी, कह रही इसको आगे चिपका दे, आधे ज्यादा गिफ्ट चिपका नहीं दिया आगे। तो कहाँ रखेंगे यार, घर है छोटा सा, छोटा सा घर है, बड़ा छोटा सा कुटिया में रहते हैं, बड़ी दिक्कत है श्रेया आपकी जिंदगी में। बिल्कुल सही बात है, एक डबल बेड ही तो है, आराम से गद्दा लेटने को है, बाकी का ही है मखमल का गद्दा हो, बड़ा सा एरिया हो, गद्दा भी नहीं ला पा रहे, छोटा गद्दा आ गया। अच्छा? गलती से तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, हम दोनों भी हैवी छोटे छोटे, उतने की जरूरत है ही नहीं। ये अच्छा, ये मैं रखूंगा। क्या करेगा? मैं इसमें खाना खाऊंगा, यहाँ सब्जी डालूंगा, फुल रोटी। पुरानी वाली कुर्सी हटा करके हम नई कुर्सी ले आए अभी, और ये ना वैसी है बड़ी एकदम
अपने अंदर ना समा लेती है, चेयर का नाम ही कटल चेयर है। तो हमने जब सीधी सीधी रखी थी तो सही नहीं लग रही थी, तो हमने ऐसे रख दिया। अब बिल्कुल इसमें सामने जो बैठते ऐसा लगता है कि नहीं बैठना जरा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन आगे के फ्यूचर जो वर्ल्ड ऑर्डर रहने वाला उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नमस्कार सर जी, आ सुर से पुतिन सर। सही है ना, ये पूरी पॉडकास्ट के लिए चेयर बनी है नी, बंदा घुस के एकदम जल्दी से पॉडकास्ट करेगा। तो फ्यूचर क्या कर रहे हैं आज रात का जो खाना है उसमें क्या बन रहा है? चलो फोटो सेशन हो जाए मीडिया के लिए। वहां पे से बैठा था कि इन चेयर को दूर से निहार सके। नहीं मैं कह रहा हूँ कि कारपेट अगर प्लेन होता ना तो फिर एकदम वो अलग निकल के आती, वो पता है। प्रॉब्लम आपका ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, देखो सच में लग रहा है कारपेट प्लेन कारपेट भी मत। ओके मैंने तो बोला था तू जो बोलेगा वही कुछ आप कराओगे ना? मैं कुछ नहीं कराऊंगी। मैंने बोला था गुबी मुझे तो सही लग रहा है, तुझे नहीं अच्छा लग रहा जाके चेंज करा दो। साथ में आपको बताऊं प्लेन कारपेट इतना सही जाता है एकदम, पूरा ये अलग स्टेटमेंट निकल के आती है इसकी। आपका फैशन सेंस आजकल खराब हो गया, मेरा बेटर है, मैंने देख लिया। अगर अच्छी नहीं लगे तो चेंज करा दे। अच्छी लग रही है मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे तो ठीक लग रही है। अपनी ईगो मत बोलो, सच बोलो, भले ही वीडियो बंद करके बोल लो। नहीं मुझे ठीक लग रही है। बात बताऊं तुझे, एक नॉर्मल मैं घर बनाने का ज्ञान दूं फिर तू बोले। कभी भी कोई भी ऐसे मैचिंग नहीं करना चाहिए घरों में, जस्ट प्लेस थे, मतलब बहुत ज्यादा आप वो भी मत कर दो, एकदम मैचिंग भी मत कर दो, एकदम ही आउट ऑफ द प्लेस भी मत कर दो, एकदम जेंडर तो सारी चीजें सबके साथ जाती है, ऐसा नहीं होता। फालतू जेंडर की बातें नहीं करनी चाहिए जो कि हर जगह फिट हो जाए, ठीक है? फालतू जेंडर के एक थोड़ा सेंस होना चाहिए बस कि भाई ठीक है, जिनमें ज्ञान कम हो और जेंडर ज्यादा हो। ठीक है तू ले आ फिर देखते हैं। तू वो दूसरा वाला कारपेट लेके आ जो तू बोल रहा था, उसके बाद देखते हैं। वो तो फाड़ देगा यहाँ पे एकदम, जो आपने लेने नहीं दिया। तो जाके ले आना। मैंने क्या लेने नहीं दिया? कभी डोंट से दिस, मैंने लेने नहीं दिया, ठीक है? आपने लेने दिया, आपने एंड में जाके मुंह बनाया ना जो वहां पे। मतलब गौरव का हम एक कारपेट की दुकान गए थे देखने और हमने काफी उसका उलट पुलट करवा दिया कारपेट और ये सब, तो गौरव जी इतने ओब्लाइज्ड हो गए कि हमने इतना करवा दिया तब तो कुछ लेके ही जाना। मैंने कहा गुब्बी हमारे घर की बात है यार, वी हैव टू टेक एन इन्फॉर्म्ड कॉल। तो जबरदस्ती इवन आई मतलब मैं उतनी कन्विंस नहीं थी क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज थी। तो मैंने से वही बोला कि पहले चेयर ले आते हैं उसके बाद कारपेट चेंज करेंगे, जस्ट बिकॉज ही इज लाइक नहीं उसका इतना टाइम वेस्ट करे तो अब तो कारपेट लेके जाना पड़ेगा। गाइस ये लड़का जिस दिन 12 बजे के पहले घर में घुस जाता है मुझे मैं सरप्राइज हो जाती हूँ एकदम। हुआ सरप्राइज, चलो वॉक करने। वाह यार मूवी, आई एम सो आई एम आपको लग रहा होगा ना ये मूवी देखी है तूने? हैं ये देखी है? आपको बता दूं मूवीज नहीं देखता, मेरे को पसंद नहीं। हे गाइस क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत क्या होगा कि ऐसा होता है कि गद्दे पे इतने सारे रंग पड़े होते क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप काफी टाइम से आप चाह रहे होते कि आपका स्पाउस एक मूवी देखे जो आपने देखी है और आप भी फॉर्म भर रहे हैं यहां पे कोई तो मुझे कंप्लीट क्यों नहीं करने देते, तो हमेशा बीच में क्यों बोलना होता है तुझे? स्पाउस वर्ड मैंने सिर्फ फॉर्म भरते टाइम देखा है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर को कोई एक मूवी या कोई एक बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहते हो कि जो आपने मूवी देखी होती है और एंड यू आर जस्ट ब्लोन ओवर की कितनी अच्छी मूवी है यार, मे बी माय पार्टनर, चुप रहना गुबी, मे बी माय पार्टनर शुड आल्सो वॉच इट। तो वैसी मूवी थी लाला लैंड जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आई वाज रियली लाइक बहुत काफी टाइम के बाद एक अच्छी प्रॉपर रोमांटिक मूवी मुझे अच्छी लगी। मैंने गौरव को तब से बोल रही हूँ, इधर देखते टांट दिख रही है और मैं गौरव को तब से बोल रही हूँ कि चल देख लेते हैं मूवी, चल देखते हैं, चल देखते हैं, बहुत अच्छी मूवी। अरे देख ही नहीं रहे यार, मतलब हद है यार। आई वांट मैं अभी तक किसी मूवी को देख के ब्लोन ओवर नहीं हुआ ना, जिस दिन मैं ब्लोन ओवर हो जाऊंगा तब मैं देखूंगा। और आई वांट यू टू फील द सेम फीलिंग्स दैट आई फेल्ट वाचिंग दैट मूवी। व्हाई गॉड, ये खाली बकवास की मूवीज इधर उधर की, रोमांटिक मूवी देखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है तुमको? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मेरे को नहीं देखनी बस। तुझे देखनी पड़ेगी लाला लैंड, मैं तुझे दिखाऊंगी लाला लैंड, देख करूं ऑन गुबी देख लेना, इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो नींद आ रही है गुबी, तू देख लेना, मैं तुझे इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो देख ले प्लीज। मैं तो कम से कम 10 दिन हो गया मैं तुझे बोल रही चल लाला लैंड दिखाती हूँ मैं तुझे गुबी। फिर मैं सो जाऊंगा, फिर पिछले बार सो गया था लगाई थी गुबी नहीं वो तो हम थोड़ा लेट हो गया था, 12 बज गए थे। ओके बट यू से दैट यू विल वॉच लाला लैंड, देखेगा कि नहीं? देखूंगा यार लगाओ, और अच्छे से मन से देखेगा, मन से तो पिक्चर चलेगी तो पता चलेगा ना। तू बस बोल दे देखेगा कि नहीं देखेगा ना। चलो ठीक है। Hey guys, so that was the end of today's vlog. I hope you liked the vlog. If you liked the vlog, then do subscribe to the channel
next vlog is going to be out very soon. We are very close to we are not close to anything right now, but whatever our subscriber count is, we are pretty happy with it. So see you guys in another vlog very soon. Thank you so much. And yeah, one last time I must promote it. I am doing India tour right now. November, December, bahut sare shows hai. Delhi, Mumbai, Pune, Bangalore, Hyderabad, Gurgaon, Nagpur, Chandigarh. All the details are in my Insta bio, or the tickets are also available on Book My Show. You can click your city over there and see stand up comedy shows. Chandar Gaurav ne bichhai hai. Par question ja nahi rahe. It's not going with the theme. It's okay. It's a pop. Gaurav, guys, new word pop. Gaurav ne new word sikha pop.